जिले में मेरे बाप का बाप भी अगर मतलब अंग्रेज की जोड़ी में सलत है तो उसको पकड़ा के उसको बिल्कुल काट रहे, उससे बड़ी बात कोई नहीं सुन। छतरपुर खनिज अधिकारी को फटकार लगाते हुए ये हैं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, जो जनसुनवाई के दौरान अचानक नाराज हो गए। क्यों केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक हुए नाराज और फिर आगे क्या हुआ, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। दरअसल मंगलवार को छतरपुर जिले में जनसुनवाई चल रही थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक, छतरपुर कलेक्टर सत्येंद्र सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे। जनसुनवाई में एक सांसद प्रतिनिधि लिखित शिकायत लेकर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के पास पहुंचा। उन्होंने बताया कि जिले में अवैध रूप से रेत की बिक्री और अवैध खनन लगातार हो रहा है। ये शिकायत देखकर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने खनिज अधिकारी को तत्काल तलब किया। जैसे ही खनिज अधिकारी अमित मिश्रा केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के पास पहुंचे, यहां पर उन्होंने उन्हें अपने पास खड़ा किया और जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मैं एक व्यक्ति ऐसा हूं जिससे रेत या इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बार बार शिकायत कर रहा है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी संलिप्तता है। यदि कोई शिकायत लेकर आया है तो आप कार्रवाई कीजिए, आग बंद करके नौकरी मत कीजिए। वैसे भी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। क्या कहा केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने, आप भी सुनिए। हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ऐसा है जिसमें रेत चोरी और इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। इस जिले में मेरे बाप का बाप भी अगर मतलब रेत की चोरी में संलग्न है तो उसको पकड़ा के उसको बिल्कुल कर पाएंगे, इससे बड़ी बात कोई क्या नहीं। कोई व्यक्ति करके किसी दूसरे का नाम कैसे लिखवा रहा है और आप क्या कर रहे हैं? नहीं, पुरानी 2000 के मतलब जो व्यक्ति कोई कहीं से चोरी करके और रेलवे सप्लाई कर रहा है, चोरी का मालिक तो मैं कैसे सप्लाई करूं? फिर तीसरे थर्ड व्यक्ति का नाम लिखवा दिया जाए, चोरी करने वाला अलग और चोरी करके उस अपने आपको बचाने के लिए अपराध पे नाम जुड़वाने के लिए तीसरे व्यक्ति। आप लोग क्या देखते हैं? ठीक नहीं है। रेल की चोरी जिले के लिए सामुदायिक है, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा समुदाय किसी नहीं है। और आप मतलब आंखों पे अगर मतलब पट्टी बांध के अगर बैठे रहते हैं तो इसका मतलब संलग्नता मानी जाएगी। कोई अगर अपने आप को निरपराध घोषित करने के लिए कि उसने वो अपराध किया ही नहीं है, वो दरखास्त लेके यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये कि हमारी कहीं ना कहीं गलती है। और इस तरह से मतलब बेधड़क होके रेत की चोरी भी कर रहे हैं और बेचने के बाद फिर तीसरे व्यक्ति का नाम वहां पे जोड़ रहे हैं। कौन इसके ऊपर जांच करके तुरंत कार्रवाई करो और रिकवरी निकालो उसके खिलाफ। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के निर्देश के बाद अब देखना होगा कि छतरपुर में अवैध रेत उत्खनन के कारोबार पर कितना अंकुश जो है प्रशासन लगा पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मध्य प्रदेश से लोकमत के लिए आकाश सेन की रिपोर्ट।